हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं क्रेडिट कार्ड के मामले में बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है जो आपको सबसे ज़्यादा कैशबैक देता है, तो आपके जहन में एक ही नाम आएगा, SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड। मेरे पास खुद के पास ऑलरेडी तीन तीन SBI कैशबैक कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड अभी के टाइम में वन ऑफ द बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड है जो आपको सारे ऑनलाइन स्पेंड्स पे 5% का कैशबैक देता है। लेकिन अब SBI कैशबैक कार्ड को टक्कर देने के लिए आने वाला है मार्केट में एक्सिस बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। आप बोलेंगे दोनों में क्या फर्क है, तो SBI कैशबैक कार्ड पे आपको 5% का कैशबैक मिलता है, लेकिन एक्सिस बैंक के कैशबैक क्रेडिट कार्ड पे आपको 7% का कैशबैक मिलने वाला है, जो कि SBI कैशबैक कार्ड से भी ज्यादा है। तो ये कार्ड कैसा है, कब ये कार्ड आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या इस कार्ड में आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, 7% जो एक्सिस बैंक बोल रहा है, क्या आपको लिटरली 7% का कैशबैक मिलने वाला है, क्या ये कार्ड SBI कैशबैक कार्ड को टक्कर दे सकता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मुझे तो ये कार्ड दो दो मिलेगा, वो भी फ्री में, कैसे आपको मैं बताऊंगा। वैसे अगर आपको SBI कैशबैक कार्ड अप्लाई करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि हर तरह के लूट ऑफर्स, अर्निंग कैंपेन, शॉपिंग डील ऑफर्स कुछ भी आपसे मिस ना हो, अच्छा बेनिफिट आप यहां से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, आप यह स्क्रीनशॉट में देखिए, मुझे एक्सिस बैंक की तरफ से एक ईमेल आया। अब आप जानते हैं सिटी बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस को एक्सिस बैंक को बेच दिया है, यानी अभी जो सिटी बैंक का कार्ड हम यूज कर रहे हैं वो एक्सिस बैंक ही ऑपरेट कर रहा है। मेरे पास सिटी बैंक के 4 क्रेडिट कार्ड है और मुझे इस तरह के 4 ईमेल आए हैं। 2 ईमेल में मेरे 2 सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड को रिवॉर्ड्स कार्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं और बाकी के मेरे 2 सिटी बैंक कार्ड्स हैं उनके बदले में मुझे एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड दे रहा है। तो यहाँ पे ये बता रहे, इंट्रोड्यूसिंग योर एक्सिस कैशबैक क्रेडिट कार्ड अप टू 7% कैशबैक ऑन ऑनलाइन स्पेंड्स, यानी कि इस कार्ड में 7% का कैशबैक हमें मिलने वाला है, लेकिन ये अप टू है। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मुझे मेरे कार्ड के बदले में एक्सिस बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले जानना होगा ये कार्ड क्या आपके लिए बेनिफिशियल होगा। की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले फीस की बात करते हैं। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी होगी ₹1,000 प्लस GST और एनुअल फीस भी होगी ₹1,000 प्लस GST, जो कि वेव ऑफ हो जाएगी अगर आप एक साल में ₹4,00,000 इस कार्ड से स्पेंड कर लेंगे। वेलकम बेनिफिट के तौर पे इस कार्ड पे आपको 5,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू होती है ₹1,000। इसके लिए आपको अपना फर्स्ट ट्रांजेक्शन करना होगा कार्ड मिलते ही 30 दिनों के भीतर में। तो एक तरह से आपकी ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे वेव ऑफ हो गई। SBI कैशबैक कार्ड के मामले में ऐसा कुछ भी वेलकम बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, तो यहाँ पे एक्सिस कैशबैक कार्ड जीत जाता है। अब कैशबैक स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ये बता रहे 0.75% आपको मिलेगा ऑन ऑफलाइन ट्रांजेक्शन एंड ट्रेवल स्पेंड्स। ऑफलाइन ट्रांजेक्शन आप करते हैं, कहीं पे भी ट्रेवल पे स्पेंड्स करते हैं, तो 0.75% का आपको कैशबैक मिलेगा। 2% का कैशबैक आपको मिलेगा ऑनलाइन स्पेंड्स अप टू 5,000। ₹5,000 तक एक महीने में आप इस कार्ड से शुरुआत में स्पेंड करेंगे ऑनलाइन, तो आपको 2% का कैशबैक मिलेगा, जो कि होता है ₹100। इसके बाद आपको ₹5,001 से लेकर ₹40,000 स्पेंड करने पे 5% के हिसाब से कैशबैक मिलेगा, यानी ₹35,000 के आपके और स्पेंड पे आपको फिर 5% का कैशबैक मिलेगा। ये हो जाता है ₹1,750 का कैशबैक। अब 40,000 के ऊपर अगर आप स्पेंड कर देते हैं तो उस केस में आपको 7% का कैशबैक मिलेगा, यानी कि फर्स्ट स्पेंड से लेके लास्ट स्पेंड तक आपको पूरा 7% नहीं मिलेगा। अब ₹40,000 के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना स्पेंड करते हैं, उसके ऊपर आपको 7% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक मंथली कैपिंग भी लगाई गई है, जो कि टोटल कैशबैक कैप डेट 4,000, ₹4,000 का ही मैक्सिमम आप कैशबैक एक मंथ में कमा सकते हैं। SBI कैशबैक कार्ड पे आपको ₹5,000 का कैशबैक मिलता है, और ये तो शुरुआत आने वाले दिनों में, हो सकता है इसका डीवैल्यूएशन हो जाए जब लोग इसे मिसयूज करने लगे। इसी के साथ दोस्तों, आपको 0.5% कैशबैक मिलेगा यूटिलिटी ट्रांजैक्शन। यहाँ पे भी कैपिंग लगाई गई है, ₹100 पर स्टेटमेंट में ही आपको कैशबैक मिलेगा। एडिशनल बेनिफिट की बात करें तो 25% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा अप टू 800 पर मंथ ऑन डाइनिंग थ्रू इजी डाइनर विद अ मिनिमम ट्रांजेक्शन ऑफ 2,500। ये उतना ज्यादा कुछ बेनिफिशियल ऑफर नहीं है, इजी डाइनर पे कौन ही ज्यादा डाइनिंग करता है।
यहाँ पे एक्सक्लूजन लगाए गए हैं, नो कैशबैक ऑन रेंट पेमेंट्स, वॉलेट रिलोड्स, फ्यूअल इंश्योरेंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन एंड स्पेसिफिक मर्चेंट कैटेगरी कोड्स। तो वैसे एक्सिस बैंक की तरफ से एक अच्छा मूव है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में काफी ज्यादा डिवेल्युएशन हो गया था, अब ये कार्ड एक्सिस बैंक को थोड़ा बूस्ट करेगा, लेकिन फिर भी एसबीआई कैशबैक कार्ड आज भी विनर है। वैसे आपको ये कार्ड कैसा लगा, क्या आप इस कार्ड को लेना चाहेंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।